चलिए दोस्तों देखते हैं, ए बी इधर ए बी सी बी ई डी, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है बी, और इस बी से जैसे मैंने बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, तो सबसे पहले इसके डिजिट लिखो बी, उसके बाद क्या आएगा ए, फिर उसके बाद क्या आएगा सी, फिर उसके बाद देखो भाई यहाँ पे बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ई, और उसके बाद डी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए के अपोजिट ई आएगा, सी के अपोजिट डी आएगा, और बी के अपोजिट वो नंबर होगा जो इनमें किसी ना किसी एक ऑप्शन में दे रखा होगा। तो मुझे क्या दिखाई दिया, एफ दिखाई दिया, तो मैं कह सकता हूँ बी के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। लेकिन लेकिन अब की बार उसने क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछा, और वो क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि डायरेक्टली कि ए के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता सकते थे, सी के अपोजिट क्या होगा हम बता सकते थे, बी के अपोजिट क्या होगा हम बता सकते थे। लेकिन अब एक बात, इन क्वेश्चनों के ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर डी, ये बात समझ आई। यहाँ देखते हैं, देखो ए एफ बी, बी सी डी, ए ई सी ई एफ डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखना, दो विपरीत नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। जहाँ भी दो विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दिए, उस ऑप्शन को तुम क्या करोगे, गलत साबित कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, जहाँ भी दो विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दें, उस ऑप्शन को गलत कर देना, ठीक है? और जहाँ भी दो विपरीत नंबर एक साथ छिपे दिखाई दें, उस ऑप्शन को गलत कर देना। अच्छा, सी और डी, सी और डी दो विपरीत नंबर हैं, क्या सी और डी कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ सर, इसमें दिखाई दे रहे हैं। दो विपरीत नंबर कभी भी पड़ोसी नहीं होते, इसका मतलब ये क्या है, गलत, यानी कि दो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते। अच्छा, बी और एफ, क्या बी और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब एक दूसरे के यहाँ पे विपरीत हैं, विपरीत आया क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पड़ोसी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, हम गलत कर देंगे। हाँ भाई, सी और डी, सी और डी हो गया, उसके बाद ए और ई, क्या ए और ई दिखाई दे रहे हैं एक साथ, ए और ई एक साथ, जबकि ए और ई क्या हैं, दो विपरीत नंबर हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, लेकिन सही भी प्रूफ करने का आधार बताता हूँ। ई, ई दिखाई दे रहा है, ई के विपरीत क्या है, ए, क्या ई और ए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं, दो विपरीत नंबर एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। हाँ भाई, इसके बाद देखो एफ, और यहाँ पे क्या है बी, हाँ भाई एफ और बी क्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे। यहाँ पे देखो डी, क्या डी और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, भाई नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे दोबारा बता दो, ठीक है, मैं 100% बता दूंगा, 100% एक और वीडियो बना के इसके ऊपर बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हैं, कैसे समझ नहीं आई, क्या कारण रहा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्वेश्चन किस हिसाब से देखा जाएगा, वो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से होगा, और वो क्वेश्चन इस हिसाब से कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 2 3 4, और यहाँ पे बना हुआ है स्टार, और यहाँ पे लिखा हुआ हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखा हुआ हैज़, और यहाँ पे लिखा हुआ डॉलर। अब मुझे बताओ कि ये एक कॉमन वाला है या दो कॉमन वाला है क्वेश्चन, ये सर एक कॉमन वाला है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है हैज़, और यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगा तो यहाँ से भी मुझे क्या चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जैसे ही मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो मैंने हैज़ यहाँ पे लिखा और हैज़ यहाँ पे भी लिखा, हैज़ के बाद ऊपर यहाँ पे स्टार आया, और उसके बाद क्या आया, 4 बिंदु, ये बात क्लियर है। यहाँ पे हैज़, हैज़ के बाद क्या आएगा, 5 बिंदु आएंगे सर, 5 बिंदु, उसके बाद क्या आएगा, डॉलर आएगा सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 4 बिंदुओं के अपोजिट में क्या है, डॉलर, और स्टार के अपोजिट में क्या है, 5 बिंदु, और हैज़ के अपोजिट में क्या है, सर नहीं पता, नहीं पता तो क्या होगा, वो कभी भी अगर ऑप्शन इस हिसाब से डायरेक्टली पूछे कि स्टार के अपोजिट बताओ, तो तुम्हें कभी भी हैज़ के अपोजिट वाला नहीं पूछेगा, और अगर हैज़ के अपोजिट पूछ भी लिया तो मान के चलो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, हाँ भाई ऐसे होगा, अगर पूछा कि हैज़ के विपरीत बताओ,
हैज के विपरीत क्या होगा, हैज के विपरीत क्या होगा, तो तुम्हें ऑप्शन देखने हैं। हाँ भाई, हैज के विपरीत क्या होगा, ये पांच लिखा, उसने एक बार डॉलर लिखा, उसने एक बार स्टार लिखा, और उसने एक बार ये वाला सिंबल बना दिया एम वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या होगा। देखो ये देखो, हैज के विपरीत क्या ये है, ये किसके विपरीत है, स्टार के, हैज के तो बिल्कुल नहीं है, गलत। हाँ भाई, डॉलर किसके विपरीत है, चार नंबरों के विपरीत है, इसका मतलब ये भी गलत। हाँ भाई, स्टार किसके विपरीत है, पांच बिंदुओं के विपरीत है, ये भी गलत। तो कौन सा बच्चा जो सबसे अलग होगा, यानी कि इधर एम। अच्छा, अगर ऐसे ऑप्शन ना आते, ऑप्शन आते कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इस हिसाब से ऑप्शन बनते। और वो ऑप्शन क्या होते, यहाँ पे ध्यान दो, इधर हाँ भाई, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, जैसे स्टार, डॉलर, और ऊपर हो गए चार पांच बिंदु। हाँ भाई, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता, कौन सा ऑप्शन सही होता, फटाफट से बताओ, ये तुम्हारे सामने है। हाँ जी, किस आधार पे बताओगे, उसी आधार पे बताओगे जिस आधार पे मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, और वो क्या था कि दो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ ना तो दिखते हैं और ना कभी एक साथ छिपते हैं। तो वही पता लगाना है कि दो विपरीत नंबर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं और कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। तो दो विपरीत नंबर, यहाँ पे देखो डॉलर और चार, यहाँ पे डॉलर और चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये गलत हो गया। हाँ भाई, यहाँ पे देखो हैज़ और मास्टर सेफ, हैज़ और मास्टर सेफ वाला लोगो जो है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है, जबकि यहाँ पे क्या है, विपरीत हैं। हाँ भाई, पांच और स्टार, पांच और स्टार एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पे पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, गलत। हाँ भाई, स्टार के विपरीत कौन सा नंबर होगा, पांच, स्टार के विपरीत, सॉरी सर, ये भी गलत हो गया, इसके ये था, मुझे लिखना था यहाँ पे पाँच बिंदुओं की जगह हैज। इसको सही कर लो भाई, इसको सही कर लेना, पाँच बिंदुओं के अपोजिट में यहाँ पांच बिंदुओं की जगह हैज लिख लेना। तो स्टार, हैज, डॉलर। हाँ भाई, स्टार, स्टार के विपरीत क्या होगा, पांच बिंदु, स्टार और पांच बिंदु एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भाई। अच्छा है, डॉलर, डॉलर और चार बिंदु, डॉलर और चार बिंदु एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे सर। हाँ भाई, हैज और मास्टर सेफ एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे सर। तो इसका मतलब यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, ये बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आई। अब चलते हैं, जब एक नंबर कॉमन हो वो वाले क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, आराम से हो जाने चाहिए। जब दो नंबर कॉमन हो, याद रखना, जब दो नंबर कॉमन हो, और वो जब दो नंबर कॉमन होंगे तो किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा और किस हिसाब से तुम उसका आंसर दोगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जब दो नंबर कॉमन हो, जैसे दो डाइस मैंने बनाए और वो दो डाइस कुछ इस प्रकार हैं, और वो दो डाइस जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ पे लिखा तीन चार पाँच, और यहाँ लिखा पाँच तीन दो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं क्या, दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, दो और पाँच और तीन, पाँच और तीन इधर भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दो नंबर एक साथ कॉमन दिखाई दें, यानी कि दो, तीन और पाँच इसमें भी है, तीन और पाँच इसमें भी है, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के विपरीत होगा, ये बात याद रख लेना। चार के विपरीत क्या होगा, दो होगा, ये बात क्लियर है। चार के विपरीत क्या होगा सर, दो होगा, चार के विपरीत दो होगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई तीन के विपरीत क्या होगा, तो याद रखना, तीन के विपरीत पाँच तो हो नहीं सकता, तीन के विपरीत पाँच तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, जो दो नंबर और बचे हैं, और वो दो नंबर क्या हैं, एक और छः। तो तीन के अपोजिट, यानी कि तीन या पाँच के अपोजिट कौन से होंगे, एक या छः होंगे। वही पुराने वाला कंसेप्ट लग गया। आप दोबारा से देखो, तीन और पाँच एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तीन और पाँच तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तीन और पाँच पड़ोसी, तीन के अगर विपरीत पूछा जाए तो तीन के विपरीत पाँच तो आ नहीं सकता,
तीन के विपरीत पांच नहीं आ सकता। देखो कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते, तीन के विपरीत कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते। एक तो पांच नहीं आ सकता क्योंकि तीन जो है, तीन के पड़ोसी कौन है, पांच है। तीन के पड़ोसी कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चार। तो चार भी नहीं आ सकता तीन के विपरीत। तीन के पड़ोसी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, दो। तो दो भी नहीं आ सकता तीन के विपरीत, और तीन के विपरीत खुद तीन भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, बचे हुए कौन कौन से नंबर हैं। देखो पांच गया, चार गया, दो गया, तीन गया, एक बचा और छह बचा। तो मैं कह सकता हूँ तीन के विपरीत क्या होगा, एक या छह में से। अब ऑप्शन किस हिसाब से आएंगे, ऑप्शन कुछ इस हिसाब से आएंगे, और उस ऑप्शन को किस हिसाब से सॉल्व करोगे। जैसे एक, छह, एक या छह कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कौन सा आंसर लगाओगे, एक या छह। किसके अपोजिट पूछा है, पांच या तीन में से किसी एक के अपोजिट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा, एक, छह, तीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब कौन सा आंसर लगाओगे, ये वाला सर, क्योंकि एक, छह, तीन, तीन तो हो ही नहीं सकता, एक या छह में से कोई एक होगा, लेकिन हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन भी दे सकता है, और ऑप्शन किस हिसाब से देगा, ऑप्शन वही पुराने तरीके से देगा, और पुराना तरीका क्या है उसको देख लेते हैं, और वो तुम्हें अच्छे ढंग से आता भी है सर, आता है ना। अच्छा देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे तीन, यहाँ पे लिखा पाँच, और यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिखा चार, यहाँ पे लिखा पाँच, यहाँ पे लिखा पाँच, यहाँ पे लिखा चार, यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिखा एक, यहाँ पे लिखा पाँच, ठीक है, यहाँ पे लिखा तीन, ठीक है। ये बात क्लियर। अब कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे तुम, इन दोनों डाइस को मिलाकर कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले लास्ट वाले को ही देखते हैं, हम बहुत देर से लास्ट वाले को ठीक करते आ रहे हैं, इसको देखते हैं आपके बाद। हाँ भाई, दो और चार, इधर चार लिखना है भाई, ठीक है, दो और चार, दो और चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक दूसरे के क्या हैं, ये पड़ोसी हैं, मतलब विपरीत हैं, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, पड़ोसी, यानी कि दो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते, जबकि यहाँ पे दो विपरीत नंबर ये क्या हैं, चार और दो। इनको हम कन्फर्म कह सकते हैं कि चार के विपरीत क्या होगा, दो होगा, और इन कन्फर्म के ही माध्यम से हमें ऑप्शन दिखाएगा वो एग्जामिनर, इन कन्फर्म के माध्यम से ही हमें ऑप्शन दिखाएगा। चार के विपरीत क्या होगा, दो। चार और दो एक साथ दिख रहे हैं, गलत। चार और दो एक साथ दिख रहे हैं, गलत। चार और दो एक साथ दिख रहे हैं, गलत। चार और दो में से कोई एक दिखाई दे रहा, सही, तो आंसर सही होगा। इस हिसाब से कर लोगे, क्लियर ये बात। जब दो नंबर कॉमन दिखाई दें तो तुम्हें केवल और केवल एक चीज़ के बारे में कंफर्म पता होता है कि भी चार के विपरीत में क्या है, दो है। अगर चार के विपरीत पूछे तो डायरेक्ट आंसर लगा देना दो, लेकिन अगर किसी और के बारे में पूछ लिया, जैसे तीन के विपरीत पूछ लिया, तो तुम्हें सबसे पहले वो ऑप्शन हटाने हैं कि जो तीन के विपरीत नहीं हो सकते, तो बाकी बचे हुए नंबर तीन के विपरीत हो सकते हैं। जैसे तीन के विपरीत एक या छः हो सकता है, पाँच के भी विपरीत एक या छः हो सकता है, और उनमें तुम्हें पता ही है कि किस हिसाब से ऑप्शन आएंगे और किस हिसाब से तुम्हें आंसर देना है। ये बात क्लियर, यहाँ तक समझ आई बात। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं उन चीज़ों पे जो चीज़ें अब केवल और केवल नाम मात्र की रह गई हैं। यहीं से तुम लगभग 90% क्वेश्चन कर जाओगे। जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, तो तुम्हें सीधा सीधा कंसेप्ट बता देना, सीधा सीधा पता लग जाना चाहिए कि क्या होगा। जैसे दो, चार, पाँच, एक, तीन, छः। अब देखो यहाँ पे एक भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, एक भी कॉमन नंबर नहीं दिखाई दे रहा। अब सबसे पहले देखो कि भाई ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, यहाँ पे क्या देखना है, स्टैंडर्ड या नॉर्मल। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है या नॉर्मल दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा सर, पाँच और दो सात होते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब पाँच, दो या चार के विपरीत कौन सा नंबर होगा, एक, छः या तीन में से होगा, एक, छः या तीन में से होगा। और वही फिर पुराना कंसेप्ट कि पाँच के विपरीत पूछे तो एक, छः या तीन में से बताओगे। लेकिन अगर तुम कभी फंस जाओ, अगर तुम कभी फंस जाओ कि रियल में सर क्या आंसर बताएं, वो आंसर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, रियल में हम क्या आंसर दिखाएं, वो आंसर तो हमें
दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन उस चीज़ के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। और वो क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे तुम्हें दिया क्वेश्चन 5, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, नहीं 2 के नहीं 5 के विपरीत लिखो, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास 1, 6, 3 या फिर 4। तो देखो 5 के विपरीत 4 तो हो नहीं सकता, 5 के विपरीत, क्योंकि 5 का पड़ोसी है 4, तो ये ऑप्शन तो गया। अब इनमें से किसको लगाएं, अब फंसे, अब इनमें से किसको लगाएं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो फेस पूछा गया है उसी फेस को एज इट इज आंसर टिक कर दो। कौन सा टिक करोगे, 6, ऊपर वाला फेस 5 था, ऊपर वाला फेस इसमें क्या है 6, तो आंसर क्या लगा क्या होगे 6। मैं सारे कंसेप्ट तुम्हें बता के चल रहा हूँ, और ये कंसेप्ट केवल और केवल नो कॉमन के केस में ही दिया जाता है, तो ये बात भी समझ आई। सेम फेस बना दो, केवल और केवल किस टाइम पे, जब ऑप्शन इस तरह से आए, बाकी और तरह से आते हैं वो तुम्हें पहले कर चुके हो, ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा चलो अब इस चीज़ को हटाते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं। अब देखते हैं जब 2 से ज़्यादा डाइस दिखाई दें, जब 2 से ज़्यादा डाइस दिखाई दें, थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं, कब, जब 2 से ज़्यादा डाइस दिखाई दें, जब 2 से ज़्यादा डाइस दिखाई दें। अब 2 से ज़्यादा डाइस दिखाई देने का पर्पज़ क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का, हाँ भाई ध्यान दो इधर, क्या मतलब है इस चीज़ का, जब 2 से ज़्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, याद रखना, जैसे 3, 2, 1, 1, 4, 5, 3, पाँच और 6, ऐसे नंबर दिखाई दिए, और इसमें 1, 2 और 3। हाँ भाई इधर ध्यान दो, मान के चलो 4 ऑप्शन आ गए, तो मैं एक बार में ही समझा देता हूँ और अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे 3, 2 और 6, तो मुझे बताओ कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, तो याद रखना भले से 4 दे दे ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में 4 डाइस दिखाई दे, 2 डाइस दिखाई दें, 3 डाइस दिखाई दें, तुम्हें केवल और केवल क्या देखना है कि तुम्हें एक चीज़ नोट करनी है सबसे पहले, कि ऐसा डाइस, ऐसे 2 डाइस देखो जिनमें केवल और केवल एक नंबर कॉमन आता हो, एक नंबर कॉमन आता हो। जैसे मुझे दिखाई दिया यहाँ पे ये और ये, मुझे इसमें ये वाला नंबर और इसमें ये वाला नंबर, केवल और केवल सिंगल नंबर कॉमन दिखाई दिया, और सिंगल नंबर कॉमन दिखाई दिया, तो मैंने वही कंसेप्ट अजमाया कि मुझे क्या करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भाई एक और यहाँ भी एक, एक के एक के बाद कौन सा नंबर आएगा 2, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 3, हाँ भाई एक के बाद कौन सा नंबर 5, उसके बाद कौन सा नंबर 4, तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 2 के विपरीत क्या हो सकता है 5 हो सकता है, और 1 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ये बात क्लियर, कन्फर्मेशन कह दी हमने यहाँ से, केवल और केवल 2 डाइस से ही कन्फर्म कह दिया, अब चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर दे देंगे यहाँ से, ठीक है। 2 के विपरीत पूछेगा 5 बता दोगे, 3 के विपरीत पूछेगा 4 बता दोगे, 1 के विपरीत पूछेगा 6 बता दोगे, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। चलिए अब हम जल्दी, वो प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीज़ें, जल्दी और कैसे करें, जैसे मान के चलो मेरे से पूछा जाता 1 के विपरीत क्या है, क्या चीज़ 1 के विपरीत, अब मैं देखो इसको इन दोनों से तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मुझे और थोड़ा सा जल्दी देखना है तो मैं ऐसा देखूंगा कि 2 नंबर उस जिसको पूछा है उसके अलावा 2 नंबर जो हैं वो किसी और में कॉमन दिखाई दे रहे हों, इसमें दिखाई दे रहे नहीं, इसमें दिखाई दे रहे नहीं, इसमें दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, 3 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 3 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर 1 क्या लिखा हुआ है 6,
तो एक के विपरीत क्या लगा दोगे, छः लगा दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। चलिए अब ये तुम्हारा कंसेप्ट होता है क्लियर कि जब दो से ज़्यादा डाइस दिखाई दें तो भी तुम कर लोगे, क्योंकि तुमने पहले सीख चुके हो और वो सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे ढंग से आती भी हैं। जब दो डाइस दिखाई दें, दो से ज़्यादा डाइस दिखाई दें तो कर लोगे। दो डाइस में भी जब एक नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो या फिर एक भी नंबर कॉमन ना हो, वो सारे क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएंगे, बड़े आसानी से करने हो जाने चाहिए और तुम्हें करने भी हैं, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तभी जाके तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब के आने वाले एग्ज़ाम में तुम्हारा 100% नाम रहे और सिलेक्शन हो आखिरी तक, तुम अपनी जीत बनाए रखो। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चलेंगे ओपन डाइस के बारे में चर्चा करेंगे और ओपन डाइस फिर उसके बाद हम एक नया चैप्टर और तुम्हारा रीजनिंग का लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो।